वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आ रही है दिवाली, जो कि बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली, और हम इसे बहुत खुशियों से मनाते हैं। तो हम इसमें मिठाइयाँ तो ज़रूर लेके आते हैं। तो चलिए गाइस, बालूशाही बनाते हैं, घर की मिठाई से इस बार दिवाली बनाइएगा। बहुत ईजी है बनाना, तो चलिए देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या चाहिए बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और 2 कप ली है चीनी। मैंने सारा मेज़र जो किया हुआ है इसी कप से किया हुआ है। तो जिस कप से आप मैदा को मेज़र करिएगा, अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो उसी कप से आप मेजरिंग चीनी को भी करिएगा। और उसके बाद मैंने लिया है 1/2 कप देसी घी, आप चाहे तो वनस्पति घी ले सकते हैं। 4-5 इलायची ले रखी है मैंने। और उसके बाद मैंने लिया है 1 पिंच नमक। मीठे में नमक डालना बहुत ज़रूरी है, इसकी भी टिप बताती हूँ। और उसके बाद लिया मैंने छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का, और ऑरेंज फूड कलर लिया है कलर देने के लिए, और आधा लेमन लिया। पूरा लेमन हमें ये नहीं चाहिए, आधे से भी हमें बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स चाहिए। और थोड़ा सा हमने लिया है चिल्ड वाटर, ठंडा पानी, आप फ्रीज में रख दीजिएगा पहले आटा गूंदने से पहले। तो सबसे पहले हम चाशनी को बना लेते हैं। चाशनी को बनाने के लिए हमने 2 कप चीनी डाल दी है। और उसके बाद 2 कप चीनी डालने के लिए हमें चाहिए 1 कप ही पानी, यानी कि जितनी चीनी होगी उसका आधा हमें पानी चाहिए। तो मैंने 2 कप चीनी तो डाल दी, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी। जिससे भी आप चीनी को मेज़र करिए, उसी से ही मैदे को मेज़र करिएगा। इससे आपका बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी, बाहर की मार्केट जैसी बिल्कुल। बस आपने सारा कुछ इसी टिप से फॉलो करना है और बनाइएगा, एकदम परफेक्ट आपकी बालूशाही बनेगी। तो चाशनी को मैं पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें बालूशाही वार्म चाशनी में ही डालनी है, चाशनी ठंडी ना हो, इसलिए हम चाशनी को पहले ही बना के रख लेते हैं। तो ये जब तक चीनी गल रही है तब तक हम अपना डो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक बड़ी सी थाली, और उसमें डालूँगी मैं ये मैदा। ये मैदा मैंने डाल दिया। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मैंने नमक लिया है वो। अब आप सोच रहे हैं मीठे में नमक, तो गाइस मीठे में नमक बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी मीठा बनाइए उसमें 1 पिंच नमक डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो चीनी है अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाएगी आपकी बालूशाही में। कुछ भी मीठा बनाते हैं उसमें 1 पिंच आप नमक डाल दीजिए, देखिए स्वाद बदल जाएगा। ये बालूशाही का टिप नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी मिठाई बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक 1 या 2 पिंच के करीब आप नमक डाल दीजिए, फ्लेवर ही बदल जाएगा आपका। तो मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ इस टिप को, आप भी यूज़ करिएगा। तभी मैंने बालूशाही में डाला। इसे क्या होगा, जब आप चाशनी के अंदर बालूशाही डालेंगे तो अच्छी तरह से अब्जर्व कर लेता है मीठा। और मैंने इसमें डाला ये देसी घी, मोन देने के लिए हम जो ये देसी घी लेते हैं। और इसी में हमने जो वाटर लिया है बिल्कुल नाप के डालना है आपने, जितना घी उतना ही पानी। जो मैंने चिल्ड वाटर रखा था, आपको मैंने बोला था कि जब आप डो बनाए आप उससे पहले फ्रिज में 1 गिलास पानी रख दीजिए। और जिससे आप, जिस भी कौली से आप नाप रहे हैं, मेरे पास तो मेजरिंग कप है, मैंने मेजरिंग कप से देसी घी को नापा था। तो आप जिससे भी कौली से भी नापेंगे उसी कौली से आपने पानी को भी नापना है, यानी कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए घी और पानी की। और अच्छी तरह से जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ वैसे मिक्स करना है अच्छी तरह से, रगड़ रगड़ के। और मैं बीच में चाशनी को भी चला रही हूँ ताकि चाशनी अच्छी तरह से बन जाए, जल्दी से चीनी घुले और चाशनी बनना शुरू हो जाए। और देखिए थोड़ा सा पानी हमें लेना है और अपने हाथ पे लगाना है, पानी डालना नहीं है, सिर्फ जो मेजरिंग से हमने 1/2 कप डाला है देसी घी और 1/2 कप ही पानी, और कुछ नहीं इसमें चाहिए, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं लगेगा। जो मैंने सारा बताया, सारा मेजरिंग करके ही बताया, 2 कप पानी है, 2 कप चीनी है, बिल्कुल मेजरिंग से आपने इसी उससे बनाना है। बस बीच में चाशनी को चलाते रहिए और डो भी हम तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर लिया था, सिर्फ 1 पिंच डाला है, ये देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है। अब इसमें जो मैंने नींबू लिया है, नींबू का जूस बिल्कुल, देखिए कितना थोड़ा सा मैंने जूस लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी चाशनी है ठंडी होने के बाद जुड़ जाती है, वो जुड़ेगी नहीं, वो बिल्कुल ऐसे लिक्विड ही रहेगी, इसकी टिप ये है, इसलिए थोड़ा सा लेमन जूस हमें चाहिए होता है। अब देखिए चाशनी में देख लेती हूँ, ये देखिए कितनी गाढ़ी है, यानी कि चाशनी हो गई है। बालूशाही की हमें चाशनी बनाने के लिए 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चीनी गल जाए, थोड़ा सा आपको लगे टेक्सचर गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है, तो समझिए आपकी चाशनी बन चुकी है। ज़्यादा गाढ़ा अगर करेंगे तो चाशनी में जब आप बालूशाही डालेंगे तो बालूशाही बहुत ज़्यादा आपकी सख्त हो जाएगी। तो चाशनी को 1 तार वाली चाशनी मत बनाइएगा, सिर्फ आपको लगे कि चाशनी मेरी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, बस वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिएगा। तो बस मैंने आटे को लिया, डो को, इसे हमें अच्छी तरह से गूंदना नहीं है, खाली हल्के हल्के हाथों से मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये प्लेन हो जाए, ये देखिए। उसके बाद हमने हाथों से इसे ऐसे स्प्रेड करना है, थोड़ा फैल जाए। देखिए कितने सारे इसमें क्रैक्स हैं, यही क्रैक्स हमें चाहिए, बिल्कुल हमें जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं वैसे हमें ये डो को नहीं गूंदना है, हमें सिर्फ मिक्स करना है घी और पानी को और अच्छी तरह से डो हमें तैयार कर लेना है। ये थोड़ा सख्त डो होता है, ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, आपने सेम ऐसे ही फॉलो करनी है टिप,
आपकी बालूशाही बहुत परफेक्ट बनने वाली है। ये देखिए बीच में कट किया जो क्रैक्स हैं ताकि ये क्रैक्स आएँ, और उसके बाद मैं इसे फिर से सॉफ्ट एक बार बेलन मार के सॉफ्ट कर लूँगी। ये देखिए इससे क्या था, जो क्रैक्स हैं सारे अंदर भी हो जाएंगे क्रैक्स। जब हम बालूशाही को बनाएंगे तो क्रैक्स देखिए कितने अच्छे लगेंगे। तो बस उसके बाद मैं फिर से इसे बेल लेती हूँ। ये थोड़ा सख्ते से थोड़ा ज़ोर लगता है बट बनती बहुत स्वाद है ये बालूशाही। इस दिवाली पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपकी बालूशाही कैसी बनी। तो बस इसे आपने बेल लेना है, आपके पास चॉपिंग बोर्ड हो वो बेल सकते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। बट ये क्या है कि बहुत सख्त होता है तो मैंने सोचा क्यों ना गैस की हम स्लेब पे जो होती है उसी पे मैंने ये अच्छी तरह से बेल लिया। ये देखिए बहुत ईजीली बेल जाता है। ये जो इसमें क्रैक्स हैं अभी भी दिख रहे होंगे आपको, अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर लग रही है उसमें क्रैक्स अभी भी हैं, क्योंकि बालूशाही आप बाहर से लेके आते हैं कितने क्रैक्स होते हैं उसका रीज़न ही यही है। जो बाहर के हलवाई बनाते हैं ना बालूशाही सेम एज इट इज़ टिप फॉलो करते हैं। ये देखिए सिर्फ इतनी ही मोटी लेयर रखनी और उसके बाद मैं इसे डिवाइड कर लूँगी कई पार्ट्स में, और डिवाइड करने के बाद ईजी रहेगा हमें लोइयाँ बनानी है। ये देखिए अब इसे मैं हल्के हाथों से गोल गोल करके रख दूंगी। इसे क्या होता है लोई बनाने में हमें इजी रहता है, तो हम इसे थोड़ा राउंड राउंड करके, ज़्यादा दबाना नहीं है वरना जो हमारे क्रैक्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ हल्के हाथों से हमें थोड़ा राउंड राउंड शेप में देकर रख देना है। और ये देखिए मैंने सारे रख दिए, और मैंने जो भी आपको लगता है कि मुझे जिस साइज़ की चाहिए बालूशाही उसी साइज़ की आप लोइयाँ लें। तो मुझे तो छोटी छोटी बालूशाही अच्छी लगती हैं, क्योंकि क्या होता है दिवाली पर बहुत मीठा जाता है घर में तो ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता है, इसलिए छोटी छोटी बालूशाही मुझे अच्छी लगती है। देखिए अभी फूल के थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। आप इसे सिर्फ गोल गोल घुमाइए और कोई भी पेंसिल ले लीजिए पेन ले लीजिए, इसमें हॉल कर दीजिए। हॉल करने का रीज़न इसलिए है ताकि जो चाशनी है वो बालूशाही में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। ये देखिए हमने लेना है एक ही तरह की, आप चाहे कट कर लीजिए इक्वल इक्वल लोइयाँ, उसके बाद आप बनाना शुरू कीजिए। बट मैं तो ऐसे ही बना रही, मैंने कई बार बालूशाही बना ली है तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप जब बनाइएगा तो एक लोइयाँ जो बनाइए उसे कट कर करके रख लीजिए ताकि आपकी एक जैसी ही लोइयाँ बने, बालूशाहियाँ भी बने। तो ये देखिए तैयार हो गई है, मैं फटाफट आपको मैंने दिखा दिया, फटाफट तैयार कर ली है। देखिए कितने अच्छे क्रैक्स आ रहे हैं ना, आप ये ना सोचिएगा जो क्रैक्स हैं तलते टाइम टूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगी बालूशाही आपकी, ये क्रैक्स हमें चाहिए। इसी रीज़न से हम आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथते, सख्ती रखते हैं। तो मैंने गैस को तब तक कर दिया ऑन और मैं डाल देती हूँ तेल। जब तक तेल होगा मैं बालूशाहियाँ बनाती रहूँगी और तब तक फ्राई होती रहेंगी, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है। जो तेल आपने रखना है ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है, लो मीडियम पे रखनी है अपने गैस की आँच। तो ये देखिए मैंने डाल दी है और इसे मैं बिल्कुल छेड़ूंगी नहीं जब तक ये अपने आप ऊपर नहीं आने लग जाएंगी, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती। देखिए तेल में ऐसे ही फ्राई हो रही है, ये देखिए कितना चेंज हो गया, देखिए अपने आप ऊपर आ गई हैं ये फूल कर। तो अगर आप इससे बड़ी बालूशाही बनाना चाहते हैं तो लोई थोड़ी आप बड़ी लीजिए, बट मैं इसीलिए इतनी छोटी छोटी ले रही हूँ क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा दिवाली पे हो जाता है तो बहुत थोड़ा ही खाया जाता है। अगर आपको बड़ी बालूशाही पसंद है तो आप बड़ी बना लीजिए। तो उसके बाद देखिए जब अपने आप ऊपर आ जाएंगी बालूशाही लगेगा कि फूल गई है तो आप उसे पलट दीजिए। थोड़ा देखिए कलर चेंज हो गया, यानी कि हमारी बालूशाही हो गई है फ्राई और हम इसे अब डालेंगे चाशनी में। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी हमारी बालूशाही। ये जो क्रैक्स है यही बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए मैंने चाशनी में डाल दिया, कम से कम चाशनी में आपने बालूशाही को जो डिप करके रखना है 5 से 6 मिनट डिप करके रखिए और उसके बाद इसे निकाल लीजिए। निकालने के तुरंत बाद आप इसे सर्व ना कीजिएगा, थोड़े से चाशनी को सेट होने दीजिए उसके बाद दीजिए, ताकि जो सूखी सूखी चाशनी इसके ऊपर लगी होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि गर्म गर्म में चाशनी अगर आप बालूशाही देंगे तो वो हाथ पे चिपचिप तो होगी मगर वो सूखे वाली बात नहीं आएगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना बालूशाही का कलर, ये देखिए। तो मेरी बालूशाही सारी मैंने बना ली है और मैं इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता और बादाम से इसे गार्निश कर दे रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रही है ना। तो गाइज़ इस तरह से दिवाली भी बनाइए बालूशाही और मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।